हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। आपके सामने एक प्रोग्राम दिख रहा होगा। अब इस प्रोग्राम में मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया हुआ है और यहाँ पिक नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसमें रैंडम डॉट रैंड इंट किया गया और 0 से लेकर 3 तक चलेगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहा गया है दिल्ली, एक सिटी नाम से लिस्ट बनाई गई है जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। फिर यहाँ पर एक लूप लगा लिया गया। अब लूप में क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर आई इन सिटी। अब सिटी के अंदर ये सारी चीजें स्टोर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है फॉर जे इन रेंज, रेंज भी लगाया गया है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। और 1, पिक किया गया है, यानी 1 से स्टार्ट करके और पिक -1 तक चलेगा ये। पिक -1 यानी कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है बिल्कुल इसी स्थिति के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो इसको समझने को से, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवा दिया गया है। आई को प्रिंट करवाने का अर्थ है कि यहाँ पर आई इन सिटी है, माने कि जो सिटी में वैल्यूज हैं वो सारी आई के अंदर आएंगी ही आएंगी, और ये रिपीट भी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर 1 अब 0 है। तो जैसा कि देख सकते हैं 2 स्थितियां बन रही हैं। कभी कभी ये 2-2 बार वैल्यूज प्रिंट हो रही है और कभी कभी 1 ही बार प्रिंट हो रही है। अगर हम इसको फिर से चलाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम है, इसको अगर मैं F5 करके फिर से चला देता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर अगर मैं इसे दोबारा से चलाता हूँ F5 करके तो अभी देखिए 1 बार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 स्थितियां बनेंगी, ये या तो ये प्रोग्राम 1 बार चलेगा, यानी कि प्रोग्राम तो 1 ही बार चलेगा चलाएंगे तो, लेकिन प्रिंट जो है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये कभी कभी 1 बार प्रिंट होगा या कभी कभी। अब ये जो अनिश्चितता है ये किसके वजह से है, यहाँ पे देखिए रैंडम डॉट रैंड इंट लगा हुआ है जिसके वजह से ये अनिश्चितता शुरू हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है।